स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, MS-DOS का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? MS-DOS का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो MS-DOS का एक्सटेंशन नेम बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है .exe, बी नंबर ऑप्शन है .docx, सी नंबर ऑप्शन है .doc और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए कि MS-DOS का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो MS-DOS अगर हम एक्सटेंशन नेम की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए MS-DOS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, MS नहीं माइक्रोसॉफ्ट, DOS नहीं DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो उसमें जो भी फाइल होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर जो ऑप्शन है .exe, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है लॉकर में रखे सामान के बारे में किसे पता होता है। अगर आपने लॉकर में कोई सामान रखा है तो उसके बारे में किसको पता होगा, अगर कोई भी व्यक्ति बैंक के लॉकर में कोई भी सामान रखता है तो वो किसको पता होता है, बैंक को, घर के सभी सदस्यों को, जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को, या फिर उपरोक्त सभी को। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है कि लॉकर में जो भी सामान रखा गया होता है उसके बारे में किसे पता होता है, बैंक को पता होता है कि घर के सदस्यों को बताते हैं, या फिर जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर लॉकर में, बैंक के लॉकर में कोई भी सामान रखा जाता है तो जो रखता है, जो व्यक्ति रखता है, जिसका सामान होता है, जो रखता है सिर्फ उसी को पता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि लॉकर में क्या सामान रखा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कम से कम जूम रखना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तो न्यूनतम आप कितना कर सकते हैं, कितना जूम आप कर सकते हैं न्यूनतम, कम से कम 10%, 5%, 20% या फिर 15%। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितने परसेंट तक होता है। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम अगर घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो अधिकतम आप बढ़ा सकते हैं 3000% तक, और अगर आप न्यूनतम करेंगे तो न्यूनतम आप 5% तक ही कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 5% जूम और अधिक से अधिक 3000% तक जूम हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 5%। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है निम्न में से नियलेट की सही वेबसाइट कौन सी है। नियलेट जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम कराता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये नीरज का फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसकी सही वेबसाइट कौन सी है, ए नंबर ऑप्शन है www.nielit.gov.in, बी नंबर ऑप्शन है www.nielit.in, सी नंबर ऑप्शन है www.nielit.gov.in और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ जो NIELIT की सही वेबसाइट है वो क्या है, www.nielit.gov.in। करेक्ट आंसर 4 का सी होगा, 4 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग अकाउंट क्या होता है। आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, ए नंबर अपने एक सुनिश्चित धनराशि जमा होती है, बी नंबर ऑप्शन है कि हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है, सी नंबर ऑप्शन है कि यह बचत खाते जैसा है और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं।
तो आवर्ती जमा खाता नहीं, रिकरिंग अकाउंट जो होता है यह क्या होता है? देखिए आवर्ती जमा खाता में क्या होता है, उसमें प्रतिदिन या फिर मासिक जो है क्या करते हैं, एक फिक्स कर लेते हैं कि इतने रुपए हम पर महीने या फिर पर जो है डे जमा करेंगे, तो वही आप फिक्स जमा करते हैं, वही आपका होता है रिकरिंग अकाउंट। तो ये जो है कि हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा करते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें बार बार जो है कि एक नियमित रूप से जो है कि एक ही राशि बार बार जमा की जाती है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है QR का पूरा नाम क्या होता है। QR का पूरा नाम बताना है, QR का पूरा नाम क्या होगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिप्लाई कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? अगर हम बात करें QR के पूरा नाम की, तो QR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR का पूरा नाम। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर जो कि है बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए। अगर आप बेसिक जो है सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपके पास न्यूनतम कितना डिपॉजिट, कितना जमा, कितने रुपए जमा करना आवश्यक है? ए नंबर ऑप्शन है 5,000 रुपये, बी नंबर ऑप्शन है 500 रुपये, सी नंबर ऑप्शन है 1,000 रुपये, और डी नंबर ऑप्शन है 0 रुपये से खाते खोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेसिक बचत खाता खोलने के लिए आपको कुछ किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती, आप 0 रुपये से यानी कि बिना रुपए के भी जीरो अकाउंट पे भी खाते खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है। जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा कि ब्लूटूथ की रेंज अधिकतम कितनी होती है? तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं आपको, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ की अगर हम रेंज की बात करें, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज हो सकती है 100 मीटर, ठीक है। नॉर्मली तो आपका जो है कि अगर आप देखें तो जो है कि बहुत कम ही रेंज होता है, जो है कि 10-15 मीटर, 20 मीटर तक होता है। लेकिन जो है कि ब्लूटूथ में भी अगर डिवाइसेस कुछ विशेष क्वालिटी की जो आती हैं, वो जो है कि 100 मीटर तक का रेंज दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन 100 मीटर से अधिकतम रेंज आपका ब्लूटूथ का नहीं मिल सकता है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर जो कि है ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज किया जा सकता है, यानी ईमेल में कितना स्टोरेज होता है। ए नंबर ऑप्शन है 25 MB, बी नंबर ऑप्शन है 30 MB, सी नंबर ऑप्शन है 15 MB, और डी नंबर ऑप्शन है 15 GB, 15 GB। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? तो ईमेल में अधिक से अधिक आप 15 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 9 का डी नंबर जो ऑप्शन है 15 GB, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ईमेल में अधिकतम आप 15 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर जो कि है फॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है। अगर आप फॉन्ट का साइज घटाना चाहते हैं तो उसके लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। ए नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, और डी नंबर ऑप्शन है कि बी और सी दोनों। तो अगर आप फॉन्ट साइज घटाना चाहते हैं तो बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, और सी नंबर यानी कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी नंबर जो ऑप्शन है बी और सी दोनों, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, IBM 1403 क्या है, IBM 1403 क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो है कि आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि जो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये देखने से आपका बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये जो है कंप्यूटर का कोई मॉडल है, ठीक है, क्योंकि IBM करके जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स के नाम तो हैं ही, ठीक है। तो
तो ए नंबर अपना प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, सी नंबर बी नंबर ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, सी नंबर ऑप्शन है कि एक प्रकार का प्रिंटर है, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में आएगा कि IBM करके कई सारे कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कंप्यूटर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। IBM 1403 कोई कंप्यूटर नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रिंटर है, ठीक है, यह एक प्रकार लाइन प्रिंटर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट होगा, एक प्रकार का प्रिंटर IBM 1403। IBM क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और IBM 1403 एक प्रकार का प्रिंटर है। ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है, निम्न में से किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज फीड का वितरण करता है, इनमें से जो है कि किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज फीड का वितरण करने में होता है। ए नंबर ऑप्शन है IM यानी इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, बी नंबर ऑप्शन है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी नंबर ऑप्शन है IPTV, और डी नंबर ऑप्शन है रियली सिंपल सिंडिकेशन यानी RSS। RSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RSS होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें से जो है किसका उपयोग वेबसाइट के न्यूज फीड का वितरण में होता है, तो रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर जो ऑप्शन है रियली सिंपल सिंडिकेशन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। RSS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियली सिंपल सिंडिकेशन। फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पर जो कि है, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? AEPS जो है यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है आधार की मदद से पैसा निकाल सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है आधार के द्वारा पैसा जमा कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है आधार के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो AEPS क्या होता है? AEPS होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम पैसा निकाल भी सकते हैं, और AEPS का अगर हम इस्तेमाल करें तो AEPS का इस्तेमाल करके जो है हम पैसा ट्रांसफ़र करने का काम भी कर सकते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का डी नंबर जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है, SMTP का यूज क्या होता है? SMTP का क्या यूज होता है? सेंड्स ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक मेल को भेजना, हेल्प इन राइटिंग ईमेल यानी ईमेल को लिखने में मदद करना, रिसीव ईमेल यानी ईमेल को प्राप्त करना, और डी नंबर अपना कि नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो SMTP का क्या यूज है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका क्या यूज होता है कि सेंड मेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर को मेल को भेजना ही इसका कार्य होता है, इसका यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो ए नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, OTP का क्या अर्थ है? तो OTP का बताना है कि OTP क्या होता है, OTP का क्या अर्थ है। देखिए आज के समय अगर आप देखें तो कुछ भी काम करना हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो, कोई रजिस्ट्रेशन करना हो, तो आपका सबसे पहले OTP आता है। क्या आता है? OTP। तो यहाँ बताना है कि OTP का क्या अर्थ होता है। ए नंबर है कि वन टाइम पासवर्ड, बी नंबर है इज अ मीडियम फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन यानी कि यह एक जो है सुरक्षित लेन देन का माध्यम है, सी नंबर ऑप्शन है कि 6-digit कोड रजिस्टर्ड ऑन ईमेल और मोबाइल व्हेन ट्रांसफरिंग मनी यानी कि जो है 6 अंकों का एक कोड है जो कि रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र करते समय आता है, और डी नंबर ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो OTP क्या होता है? OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। और OTP जो मीडियम फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन यानी कि यह जो है कि सुरक्षित लेन देन करने का एक माध्यम भी है। OTP क्या है? आपका वन टाइम पासवर्ड होता है फुल फॉर्म, और यह सुरक्षित लेन देन का एक माध्यम है, और साथ में यह 6 अंकों का कोड होता है जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे आता है, ठीक है, जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करने के अतिरिक्त भी कई सारे OTP आते हैं, उसमें जो हो सकता है कभी 4 अंक या 5 अंक या फिर 6 अंक का OTP आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन आपके बिल्कुल
करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव 15 डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न में से हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? जो हार्ड डिस्क होता है आपके कंप्यूटर, जैसे मोबाइल फोन में क्या होता है इंटरनल स्टोरेज कुछ होता है, ठीक है, रैम होता है, वैसे आपके कंप्यूटर में भी कुछ इंटरनल स्टोरेज होता है। वो जो स्टोरेज कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में होता है और रैम भी होता है। कंप्यूटर में अब जो है कि हार्ड डिस्क की जगह पे SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का भी इस्तेमाल होने लगा है, तो यहाँ बताना है कि जो आपका हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? PPM यानी पेजेस पर मिनट में, RPM यानी राउंड पर मिनट में, सी नंबर ऑप्शन है MPM और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए PPM पेजेस पर मिनट में क्या होता है? पेजेस पर मिनट जो है कि जो प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है कि कोई प्रिंटर कितने पेज पर मिनट प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कुल कितने पेज जो है पर मिनट प्रिंट कर रहा है उसके हिसाब से पेजेस पर मिनट PPM में मापा जाता है। और RPM यानी राउंड पर मिनट में जो है कि हार्ड डिस्क की गति यानी स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क मापी जाती है, मेजरमेंट होती है, ठीक है। 16 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है, निम्न में से इंटरनेट का CB किसे कहते हैं? इंटरनेट का CB किसे कहते हैं? इंटरनेट सिटीजन्स बैंड, सिटीजन बॉन्ड, सिटीजन्स ब्रांड और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा कि इसमें से इंटरनेट का CB किसे कहते हैं? तो इंटरनेट का CB किसे कहेंगे? तो इंटरनेट का CB जो इंटरनेट सिटीजन्स बैंड होता है उसको हम इंटरनेट का CB भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो ए नंबर ऑप्शन है इंटरनेट सिटीजन्स बैंड, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है, व्हाट इज गाइडेड मीडिया? गाइडेड मीडिया क्या होती है? देखिए मीडिया में जो है कि ये जो है कि आपके एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ क्या पूछा है कि व्हाट इज गाइडेड मीडिया यानी गाइडेड मीडिया क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है कि नेटवर्क दैट इज वायरलेस, यानी वह नेटवर्क जो कि वायरलेस यानी बिना वायर के, बिना तार के जो है जो नेटवर्क है वो। बी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाई वायर, यानी एक प्रकार का नेटवर्क जो कि वायर यानी कि तार के माध्यम से जुड़ा है। और डी नंबर ऑप्शन है कि बॉथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सजेस्ट करें करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करें कि गाइडेड मीडिया क्या होती है, गाइडेड मीडिया क्या होती है, इनमें से राइट आंसर क्या है? तो नेटवर्क दैट इज वायरलेस ने वह नेटवर्क जो कि वायरलेस होता है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाई वायर यानी कि ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि वायर के माध्यम से कनेक्ट होता है, और सी नंबर ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाई वायर यानी कि ऐसा नेटवर्क जो कि वायर के माध्यम से कनेक्टेड हो, वही आपका गाइडेड मीडिया होता है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। GEC का पूर्ण रूप क्या है? GEC का पूर्ण रूप क्या है? ए नंबर ऑप्शन है कि जनरल इलेक्ट्रिक सर्कुलम, बी नंबर ऑप्शन है जनरल एजुकेशन सर्कुलम, और सी नंबर ऑप्शन है जनरल एजुकेशनल सर्कुलम, और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम GEC की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? जनरल एजुकेशन सर्कुलम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो बी नंबर ऑप्शन है जनरल एजुकेशन सर्कुलम, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा एक ई वैलेट है? इनमें से कौन सा एक ई वैलेट है? भीम, पेटीएम, गूगल पे या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो है कि ई वैलेट पूछा कि इनमें से कौन सा एक ई वैलेट है, ठीक है। तो भीम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये जो है कि 30 दिसंबर 2016 को मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च कराया गया था, जिसके माध्यम से हम 40,000 रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं भीम के द्वारा, और डिजिटल इंडिया के तहत इसको लॉन्च कराया गया था 30 दिसंबर 2016 को। और जो पेटीएम है, पेटीएम आपका एक बैंक भी है, साथ में एक ई वैलेट और बैंक दोनों है पेटीएम, और पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। फिर गूगल पे जो है
ये भी एक प्रकार का ई वॉलेट है जो कि अधिकांशतः जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पर ई वॉलेट की बात करें तो भीम भी ई वॉलेट है, पेटीएम भी ई वॉलेट है और गूगल पे भी ई वॉलेट है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का जो डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हाट वाज यूज्ड इन फर्स्ट एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पहले और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल में आया। पहली पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या आपके पास, ए नंबर ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बी नंबर ऑप्शन है कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब और जो है फिफ्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और सी नंबर ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर, और डी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यूट्यूब माइक्रो प्रोसेसर भी आपको सही लगेगा और वैक्यूम ट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सही लगेगा, लेकिन इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रो प्रोसेसर में सबसे ज़्यादा फेमस अगर आप बात करें पांचवी पीढ़ी में, तो इसमें जो है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ए नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट होगा, यूट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल। बी नंबर ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सी नंबर ऑप्शन है एक्सटेंड बार कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और डी नंबर ऑप्शन है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का बी नंबर जो ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि एक्सेल एंड कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज जूम कितना होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क इस्तेमाल करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से पेज जूम कितना होता है, 75%, 120%, 100% या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर एक्सेल और कैल्क की बात है कि डिफ़ॉल्ट पेज जूम कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट पेज जूम कितना हो जाएगा एक्सेल और कैल्क में, तो एक्सेल और कैल्क में डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%। ठीक है, अधिकांशतः प्रोग्रामों में अगर आप डिफ़ॉल्ट जूम की बात करें तो उसमें 100% ही जूम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो सी नंबर ऑप्शन है 100%, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, मोबाइल फोन, वाकी टाकी, रेडियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें जिसमें जो है एक समय में एक साथ दोनों तरफ से बातचीत हो सके, वही क्या होता है आपका फुल डुप्लेक्स। तो वो क्या इसमें से मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन क्या आपका एक फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर 24 का ए नंबर जो ऑप्शन है फुल मोबाइल फ़ोन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि मोबाइल ही इसमें से ऐसा है जो कि फुल डुप्लेक्स है, यानी कि एक साथ हम दोनों तरफ से बातें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। अगर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर से कोई फाइल बनाया और उसका डिफ़ॉल्ट नाम की बात करें, अगर डिफ़ॉल्ट आप सेव करते हैं तो क्या नाम से फाइल सेव होगा। ए नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वन, बी नंबर ऑप्शन है अनटाइटल्ड वन, सी नंबर ऑप्शन है राइटर वन और डी नंबर ऑप्शन है ODT1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर से अगर कोई भी बना फाइल है
उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या हो जाएगा, अनटाइटल्ड वन। अनटाइटल्ड वन डिफ़ॉल्ट रूप से नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट बी क्वेश्चंस की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल नवल आई टी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।